हिंदू सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? जानिए गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में क्या लिखा गया है। ज्योतिष आचार्य पंकज पाठक के अनुसार बताया गया कि सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार करना हमारे धर्म में मना ही की गई है। गरुड़ पुराण में भी इस बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है। विभिन्न मतों एवं पुराणों के अनुसार सूर्यास्त के बाद इसलिए दाह संस्कार नहीं किया जाता है क्योंकि यदि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार किया जाए तो कुछ विभिन्न प्रकार के दोष लगते हैं, जिन दोषों का गरुड़ पुराण में और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है, जो संक्षिप्त में है। उन बातों के अपन चर्चा करते हैं कि मृतक व्यक्ति को ऐसा माना जाता है कि फिर परलोक में या उसकी मृत्यु के बाद जो यात्रा रहती है उस यात्रा में कष्ट उठाना पड़ता है। दूसरी बात, रात्रि में ऐसा माना जाता है कि नर्क के द्वार खुले रहते हैं और जो यम के दूत वो विचरण करते रहते हैं, इसलिए दाह संस्कार रात्रि में नहीं किया जाता है। रात्रि में आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है और आसुरी शक्तियां विचरण करती हैं तो उस मृतक प्राणी की मुक्ति में वे बाधा उत्पन्न करती है। और जो सबसे मुख्य बात जो ज्योतिष से संबंधित है कि आत्मा का संबंध सूर्य से होता है। सूर्य का जो कारक, आत्मा का जो कारक है उसको सूर्य माना जाता है। सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही चेतना है और आत्मा जो है वो जन्म से लेकर के अंत तक सूर्य से ही संबंधित रहती है, सूर्य से जन्म लेती है, सूर्य में ही विलीन हो जाती है। इसीलिए रात्रि में हिंदू धर्म में दाह संस्कार मना किया जाता है।